हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राम और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक हम दिवाली फेस्टिवल ऑफर के लिए एक प्रोडक्ट के लिए पोस्ट डिज़ाइन करेंगे सोशल मीडिया के लिए। जैसे कि आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे कुछ क्रिएटिव और प्रोफेशनल डिज़ाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहे इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आप सभी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा ताकि आप सबको यहाँ पर कुछ नया सीखने मिले। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ गए फोटोशॉप सीसी में। मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं साइज लेता हूँ 1080 हर्ट्ज एम एस 20 रेजोल्यूशन है, कलर मोड RGB और यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ मैं पोस्ट डिज़ाइन और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आएगा। अब मैं यहाँ बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा सॉलिड कलर में और यहाँ से मैं कोई बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ। तो मैं इस कलर बॉक्स पर क्लिक करता हूँ और ये कलर में पिक कर लेता हूँ। ये इसका कलर कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ओके करूँगा। अब मैं इसी के ऊपर एक न्यू लेयर लूँगा। अब मैं जाऊँगा कलर बॉक्स पे, इसे ऊपर की तरफ ले लूँगा और यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ से लाइट कलर पिक कर लूँगा ऊपर की तरफ जाके, इसका कलर कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा ब्रश में, ब्रश में जाके मैं यहाँ से सॉफ्ट ब्रश चूज़ करूँगा, स्क्रोलिंग करके यहाँ से जनरल ब्रश में जाऊँगा और इस पहले वाले ब्रश को सेलेक्ट करूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा। अब मैं ब्रश को बड़ा करूँगा ओपन ब्रैकेट से और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। अब मैं फिर से इस बॉक्स पर क्लिक करूँगा और ऊपर की तरफ जाके इसका कलर कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ओके करूँगा। अब मैं ब्रश को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इस तरह और यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे मोटूल सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करूँगा और सिर्फ पकड़ के मैं इसे इस तरह बेंड करके यहाँ से स्ट्रेच कर लूँगा, थोड़ा नीचे की तरफ करूँगा। तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह दिखेगा दोस्तों। अब मैं यहाँ पर मास्किंग ऑन करूँगा क्योंकि यहाँ पर ये लाइन आ रहा है तो मुझे इसे बैकग्राउंड में मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पर ब्रश में जाऊँगा जो कि ऑलरेडी मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है मैंने वहाँ पर, और ये कलर बॉक्स मैंने यहाँ पर ब्लैक लिया हुआ है ऊपर की तरफ, ऐसे इस तरह मैं इरेज करके बिल्कुल बैकग्राउंड में मर्ज कर लूँगा। फिर बैकग्राउंड में मर्ज हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर जो कि मैंने इमेज लिया हुआ है टिफिक करके वहाँ पे प्लेस कर लूँगा और आप सभी को इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं। तो इस PNG इमेज को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ला के इस तरह में रख लूँगा, कंट्रोल टी करूँगा और इसे इस तरह में बड़ा करके इसे इस तरह में मैनेज कर लूँगा, इंटा करूँगा। अब मैं इसी के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पर जाऊँगा कलर बॉक्स पर जो कि मैंने येलो कलर लिया हुआ है, ओके करूँगा। मैं यहाँ पे ब्रश में जाऊँगा और ब्रश में जाके मैं यहाँ से इस जनरल ब्रश को क्लोज करके यहाँ से वाटर ब्रश में जाऊँगा और यहाँ से लास्ट वाले ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और इसे क्लोज कर लूँगा। अब मैं यहाँ से क्लोज ब्रैकेट से ब्रश को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरह में क्लिक कर लूँगा। अब मैं ये आइकन पर क्लिक करूँगा तो इसका एक पैनल ओपन हो जाएगा। अब मैं इसे नीचे की तरफ शार्प 9 में जाऊँगा और इसका एंगल 100% रख लूँगा इस तरह और यहाँ से इस तरह क्लोज कर लूँगा। तो इस तरह ये इफेक्ट आएगा यहाँ पर, तो इसे मैं इस तरह क्लिक कर लूँगा इस तरह। अब मैं थोड़ा कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा राइट और लेफ्ट साइड से इस तरह मैं इसे मैनेज करूँगा, ऊपर की तरफ थोड़ा लेके जाऊँगा, इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा जो कि मैंने एक इमेज लिया हुआ है PNG का, इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ला के इस तरह मैं रख लूँगा, कंट्रोल टी करूँगा और इस कॉर्नर से इस तरह इसे इस तरह बड़ा कर लूँगा मैं और यहाँ पर इस तरह रख लूँगा। पीछे वाले इमेज को सेलेक्ट करके थोड़ा कुछ और बड़ा कर लेता हूँ मैं इस तरह में, इंटर करूँगा और इसे थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा और यहाँ पे नॉर्मल में जाकर कोई इफेक्ट मैं चूज़ कर लूँगा तो यहाँ से ये वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इस तरह, इंटर करूँगा। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह दिखेगा दोस्तों। अब मैं फिर से यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पर इस तरह मैं रख लूँगा और इसे भी नॉर्मल में जाकर कोई इफेक्ट देता हूँ तो यहाँ से मैं लाइटन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल टी करूँगा और इसे इस तरह में एडजस्ट कर लूँगा इस तरह में, इसे मैनेज कर लूँगा, इंटर करूँगा। अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा और ये इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह मैं रख लूँगा, कंट्रोल टी करके इसे मैनेज करूँगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख लूँगा, इंटर करूँगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ फटाफट ताकि हमारे डिज़ाइन में देरी ना हो और आप सब बोर ना हो जाओ। तो ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिया, कंट्रोल टी करके इसे मैनेज कर लेता हूँ इस तरह में और यहाँ पर इस तरह में टेक्स्ट को मैनेज कर लूँगा, थोड़ा इंटर करूँगा और थोड़ा ऊपर की तरफ रखूँगा मैं इसे बिल्कुल इस तरह में। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह दिखा है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे टॉप लेयर पे जाऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई प्रेस करके इस डिज़ाइन को कंबाइन कर लूँगा। अब मैं जाऊँगा इमेज में और यहाँ से इसमें में जाके यहाँ से वाइब्रेंस में जाऊँगा और यहाँ से इसका थोड़ा सेचुरेशन बढ़ा लूँगा मैं इस तरह, वाइब्रेंस भी थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं, ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा एड नॉइज़ में और यहाँ से एड नॉइज़ करूँगा और यहाँ पर नॉइज़ रखता हूँ 2 में, ओके करूँगा। तो फाइन दोस्तों, ये डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया दिवाली फेस्टिवल ऑफर के लिए। तो दोस्तों, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।